नमस्कार दोस्तों, मैं देवीलाल चौधरी, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे समाकलन के पार्ट टू की। इसमें जो आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है उसके बारे में और क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम स्टेप लगभग दो ही लाइनों में आंसर लेके आना है या तीसरी लाइन दो या तीन लाइनों में। 170 एमसीक्यू हैं, लगभग 120 से 150 मिनट में करने वाले, इसका मतलब एक मिनट से कम में ही करने वाले, ठीक है। इसलिए थोड़ा फास्ट रहना और मजबूत रहना। इससे पहले हमने कर लिया आउक्लज कंप्लीट, समाकलन का पार्ट फर्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले तो फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले तो इस टॉपिक की नींव है, मतलब वो तो रटे हुए होने चाहिए एकदम, ठीक है। वो कैसे भी पूछ सकता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हैं आज, बाकी नॉर्मली सभी को आते हैं। देखो स्टार्ट है, आपको दे दे ई की पावर एफ एक्स, e की पावर एफ एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। अब इसका समाकलन करना है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों का मेल करवा देते हैं और ये लो, ठीक है। इसी प्रकार यदि एफ एक्स है, एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स होगा, ठीक है, तब इस एक्स का इसके साथ करवा देते हैं एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, ठीक है। कोस एक्स का साइन एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, टेन एक्स कोसेक्स स्क्वायर एक्स का, कोसेक्स स्क्वायर एक्स का माइनस का कोट एक्स, इधर ये समाकलन है, चिन्ह की ध्यान रखना, ठीक है। फिर सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, याद रखना। फिर कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, फिर समाकलन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का। ये देखो साइन इनवर्स का अवकलन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब इसका माइनस यहाँ लगाते ही कोस का बन जाता है, इसका मतलब इस माइनस को क्या ले आओ, आगे ले आओ कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। टेन का, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो सेक इनवर्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये इसका ये क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये किसका हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हो गया साइन हाइपरबोले का, कोस हाइपरबोले हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक स्क्वायर का टेन हो जाएगा, फिर कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट हो जाएगा, फिर सेक और टेन का ये ध्यान रखना माइनस टेन वो सेक एक्स होगा, क्योंकि हाइपरबोले में लास्ट के तीनों है ना वो नेगेटिव रहते हैं, फर्स्ट के तीनों पॉजिटिव रहते हैं, और कोसेक और कोट के क्या हो जाएगा आपका माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए आपके। नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले हैं, देखो आप फटाफट फॉर्मूले बताओ, ये टेन एक्स का क्या होगा भाई, लॉग सेक एक्स या फिर माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी, कोट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स या फिर लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर। ये सब याद होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। इसका देखो लोग कोसेक का मैंने बताया कि माइनस से ज़्यादा ही प्रेम है, तो ये लो हर जगह कोसेक मिलेगा या कोट मिलेगा, वहाँ माइनस ज़रूर मिलेगा, तो ये लो कोट एक्स और ये टेन एक्स बाई टू। अब एक चीज़ की ध्यान रखना, ये लोग में ये सारे मोड में है, क्योंकि लोग की आगे की कोई भी संख्या माइनस में नहीं होगी, माइनस में होगी तो वो आयोटा में होगी, वो आगे बात करेंगे, जो भी माइनस में होगी वो आयोटा में होगी, रियल नंबर में कभी भी ये माइनस में होने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखो डी एक्स अपॉन ये किसका बन रहा है, साइन इनवर्स, इसकी ध्यान रखना भाई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ वन अपॉन ए नहीं होगा, यहाँ पे वन अपॉन ए नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये क्या हो जाएगा ये बताओ,
लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर माइनस है, माइनस कोसेक में है, कोस नहीं, माइनस कोस हाइपरबोले एक्स, इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस है तो साइन हाइपरबोले एक्स होगा। अब देखो डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, लॉग, ये इंपॉर्टेंट है अपने के लिए, लॉग वाले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन साइन हाइपरबोले इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, अपॉन ए, ये भी अपॉन ए होगा भाई, केवल साइन में वन अपॉन ए नहीं होता, बाकी सभी जगह में वन अपॉन ए होगा। इसका फॉर्मूला देखो, एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो ये साइन वाला बन रहा है, देखो साइन वाला है तो प्लस होगा, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, ठीक है। ये देखो एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस होगा, ठीक है, बाई टू, ठीक है, ये लॉग में भी बनेगा, एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो साइन हाइपरबोले इनवर्स एक्स अपॉन ए भी होगा। देखो दोनों में जो भी हो देख लेना। ये नेक्स्ट, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस, नहीं, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, और ये टेन का बन जाएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये किन का बनेगा, ये फॉर्मूले वो लॉग वाले स्टार्ट हो गए। फिर देखो वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ये साइन वाल का सा है, तो वन अपॉन ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और ये वापस किसका बन गया, वन अपॉन ए, इसमें भी ध्यान रखना सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब चीज़ ये तीनों ध्यान रखना, देखो डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये चीज़, दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो वन अपॉन टेन इनवर्स वन अपॉन ए, तो इसमें नहीं आएगा वन अपॉन ए, इसमें आएगा, और डी एक्स एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब इन दोनों में ए वन अपॉन ए आने वाला है और इसमें वन अपॉन ए नहीं आएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन है इजी जी, अब जो भी फॉर्मूले बचे हैं बाकी आपको याद होने चाहिए, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर ये सभी पता है, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो बनाया हुआ ही है, जी एक्स डी एक्स इजगल टू जी एक्स प्लस सी, तब बताओ ए इजगल टू, ऑप्शन है, ये तो क्वेश्चन है, ये कंडीशन कौन फॉलो करता है, ए की पावर एक्स, बी ई की पावर एक्स, सी लॉग एक्स और डी साइन एक्स, ठीक है, जी एक्स वापिस जी एक्स ही रह जाए, मतलब तो ये कौन फॉलो करेगा भाई, ई की पावर एक्स फॉलो करेगा। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ भी है, कोई एमपीटी में आया हुआ है या एमपीपीटी में आया हुआ जहाँ भी, लेकिन इसका ध्यान रखना, ठीक है। देखो अभी जी जी क्वेश्चन स्टार्ट हैं, जो एग्जाम्पल हैं वो कर लेते हैं सबसे पहले, देखो अब चलेंगे शॉर्ट में फटाफट, कोस स्क्वायर का भाग दो, कोस स्क्वायर का ऊपर तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब ऊपर ये टेन एक्स है ही इसका, और ये क्या बन जाएगा टेन एक्स, कोस से कोस एक कट जाएगा, ये क्या बन गया, ये लो, तो इसको क्या बन गया टू रूट टेन एक्स प्लस सी, इतना करना है। लेकिन ये किया कैसे वो देखो, मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर का भाग दिया, भाग मतलब ऊपर वाले में वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स रूट टेन एक्स डी एक्स अपॉन, यहाँ पे देखो टेन एक्स कोस स्क्वायर था तो साइन बटा कोस, और ये कोस से एक कोस से कट गया तो ये टेन एक्स बचा, इसको यहाँ से काटा और इसको सेक स्क्वायर बनाया, लेकिन इतना फास्ट बनाना है, ठीक है, इसीलिए दो स्टेप या एक स्टेप में क्वेश्चन को अपने को लेके आना आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर, तो इसका आंसर है सेकेंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब टी किसको माने, टी देखो इसका टी मानो ऊपर ले जाओगे सेक स्क्वायर बन गया, तो इसको पहले तो थोड़ा सा रूप बदल दो इसका,
sec स्क्वायर एक्स टी एक्स। अब देखो sec स्क्वायर किसका होता है, टेन का होता है, मतलब टेन तो पक्का होगा, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों तो काट दो, तो क्वेश्चन इसमें होगा। अब देखो टी इसको मानते हैं तो टेन टी आएगा, इसका मतलब आंसर तो इसका इस तरीके से आएगा। तो आंसर का तो आपको पता चल गया कि sec स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब टेन बनेगा, ठीक है, इसका मतलब कोट नहीं बनेगा। तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब टी इसको मानेंगे इसको देखते हुए, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखना भाई एक्स ई की पावर एक्स इजल टू टी है, ई की पावर एक्स, चलो इसका आकलन कर लेते हैं, ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इजल टू डी टी। ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, वन प्लस एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इजल टू डी टी। तो इस की जगह पूरे की जगह क्या रख दें, यहाँ डी टी रख दें, तो फिर वो sec स्क्वायर टी और टेन टी, टेन टी का क्या बना अपना, ये बन गया। तो इस तरीके से ध्यान रखना। ये भी देखो फर्स्ट एंड सेकंड मानो आईलेट, ये फॉर्मूला लगाता है आई एल ए टी ई आईलेट अलजेब्रा फर्स्ट, और वैसे भी ये सेकंड लेना क्योंकि इसका टेन बन रहा है, अपने को पता है एक्स टेन एक्स। तो फॉर्मूला ये सभी में है, माइनस एक्स का आकलन, क्यों फर्स्ट का आकलन होता है वन और टेन का। तो अब देखो भाई एक्स टेन एक्स माइनस टेन का क्या होता है, लोग शेक एक्स होता है, यदि प्लस में चाहिए तो ये तो कैंसिल, ये इन दोनों में लड़ाई है। माइनस लोग शेक एक्स होता, या तो लोग शेक एक्स होगा या फिर एक्स टेन एक्स प्लस लोग कोस एक्स होगा, जो भी आंसर आपका मैच हो कर देना, ठीक है। इसी तरीके से फास्ट चलेंगे अभी। नेक्स्ट देखो देखो नेक्स्ट है इजी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वन प्लस एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स एक्स का बन गया, प्लस इसको टी मान लो अंदर वाले को, तो देखो साइन इनवर्स एक्स सभी में है, इसको टी मानना है, देखो वन माइनस, तो ये रूट में बन जाएगा, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये और होगा। अब माइनस प्लस की लड़ाई है यहाँ पे, ये प्लस होना जरूरी नहीं है, तो वन मान ये दोनों कट गए। अब देखो बात इन दोनों की है, तो अब देखो इसको टी मान रखा है हमने, माइनस टू एक्स डी एक्स इजगल टू डी टी, तो वन बाई टू तो यहाँ लेके आ जाओ, तो टू से तो टू कट जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका यहाँ, तो ये आंसर लो, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ रहा होगा, माइनस का माइनस केवल कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। देखो ये याद कर लेना log x का समाकलन क्या होता है, क्योंकि log x का समाकलन फेमस समाकलन है, इसका याद करना log x माइनस x, x कॉमन लोगे log x अपॉन e, ये तो इसका समाकलन याद करना, मतलब या तो ये याद कर लेना या दोनों याद कर लेना, लेकिन इसका होता कैसे वो और देख लेते हैं, ठीक है। इसका होगा कैसे वो और देख लेते हैं, क्योंकि log x का याद करना, x log x माइनस एक, देखो x की पावर x का अवकलन भी याद करना, x की पावर x का क्या होता है, x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x, जो डेली वीडियो देखते हैं उनको तो ये रटी हुई चीज़ है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं रटा देता हूँ उसी टाइम। तो देखो 1 log x किसको फर्स्ट मान, आई ए आई लेट याद आई एल ए टी ई फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट इसको माना x log x माइनस इसका एक्स स्क्वायर बाई टू अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा x log x, तो इसका क्या हो गया, हाँ x log x माइनस x हो गया, ठीक है भाई। वन का तो x हो गया, वन का समाकलन x हो गया, और फिर x से x कट गया, वन वन एक्स स्क्वायर नहीं x ही होगा यहाँ, फिर x से x कटेगा वन बचेगा, वन डी एक्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो x कॉमन ले लो log x माइनस वन, ठीक है। इसी प्रकार ही नेक्स्ट देखो क्या करें, कोस का तो बनता है साइन, तो जहाँ भी साइन है देख पकड़ लो सभी में ही साइन है, ठीक है। अब t क्या माने, t क्या मानो, e की पावर x क्यूब t मान लो, तो ये क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स इजल टू डी टी, स्पीड में यहाँ ले आओ, मतलब वन बाई थ्री होना चाहिए, इसका मतलब ये गया
ठीक है, और ये माइनस नहीं होता, कॉस का प्लस में होता है, साइन का माइनस में होता है, आंसर आपका ये आ गया। नेक्स्ट, बाकी पूरा करना आप, ये अपने आप कर लेना। इसको डायरेक्ट दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो देखो लोग एक्स इजगल टू टी मान के करते हैं, तो एक्स इजगल टू ई की पावर टी हो जाता है। देखो मैं बता देता हूँ, ई की पावर 3 टी टी स्क्वायर ई टी डी टी, तो ये हो गया ई की पावर 4 टी टी स्क्वायर और डी टी। एक तो ये हो गया, इसको सेकेंड मान के इसको फर्स्ट मान के आप आसान कर सकते हो, एक इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो। ठीक है, आपको पता आई एल ए टी फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स का 4/4 लॉग एक्स का हो गया, माइनस का अब इसका अवकलन करना है 2 log x, तो इसका अवकलन हो गया अपॉन एक्स, इसका अवकलन हो गया। अब किसका समाकलन किसका करना है, एक्स की क्यूब का, एक्स की 4/3 नहीं है, एक्स की 4/4 समाकलन, हाँ एक्स की 4/4 है, एक से एक कट गया, फिर इसका दोबारा करना, आपका आंसर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। तो जिस कंडीशन में आप करना, यह आपके इजी वे में हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है, समाकलन किसका करना है, समाकलन करना आपने को इसका, रूट एक्स ने टी मानो, ठीक है रूट एक्स ने टी मानोगे तो 1/2√x dx = dt, तो या फिर टी स्क्वायर मान लो, एक ही बात है, dx = 2t dt आ जाएगा कुल मिला के। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2t cos t, इसका करो, इसका क्या हो जाएगा t, तो 2 तो बाहर आएगा, मुझे लग रहा है ये आंसर आएगा इसका, ठीक है क्योंकि ये 2 इसी में बाहर है, तो इस तरीके से देखें, लेकिन थोड़ा देख ही लेते हैं, फिर थोड़ा देख ही लेते हैं। टी तो क्या हो जाएगा, देखो आई लेट लगाओ आई एल ए टी ई, तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एंड सेकंड है, तो टी साइन टी, तो इसको रूट एक्स ही लेके चलो ना साथ में, माइनस इसका तो 1 हो जाएगा अवकलन, क्योंकि फर्स्ट वाले का तो अवकलन करते हैं, सेकंड का समाकलन, समाकलन का साइन टी, साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कोस टी प्लस, ठीक है कोस रूट एक्स, तो यही हो गया। देखो मतलब कुछ न कुछ हिंट जरूर देगा, कि आप ऑप्शन पे टिक मारो, टाइम बचाओ, कुछ न कुछ हिंट जरूर देगा ऐसी, क्योंकि इसने देखो क्या किया, या तो प्लस में करता, तो आपको पता है कि जो बीच वाला होता है ना कोस साइन में जाके फिर वापस साइन उसको प्लस कर देता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो या तो इसको प्लस से मारते, प्लस से मारते तो लेकिन एक ही मरता, तो ये 2 से अपना हो गया। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये एक मैंने ट्रिक बताई हुई है कि साइन तो 3x दे दे और कोस 5x दे दे। अब देखो लागती किसके साथ की है, साइन का तो फॉर्मूला बन रहा ही है, जब भी देखो साइन सी साइन डी जो प्लस या माइनस में करते हैं तो एक साइन का और एक कोस का आता है। देखो साइन सी प्लस साइन डी 2 sin c + d cos c - d, मतलब साइन कोस दोनों में आ रहा है, इसका मतलब साइन और कोस दोनों में आ रहा है, मतलब या तो सी में या डी में, वो या तो प्लस में साइन सी प्लस डी है, साइन सी प्लस साइन डी है, या साइन सी माइनस है साइन डी है, लेकिन ये साइन वाला छोटा है इसका मतलब माइनस है, क्योंकि साइन को कम दिया है, इसका मतलब इसमें इसके में से माइनस किया है, तो क्या हो गया भाई देखो 1/2, ठीक है साइन एट एक्स माइनस करना है, आपको बता दिया कल भी बताया था मैंने कि साइन को कम दिया है कोस से, इसका मतलब ये माइनस होगा, और ये क्या हो गया sin 2x। अब देखना भाई ये इसका करना, 1/2 साइन का तो माइनस कोस एट एक्स अपॉन एट, ठीक है प्लस कोस 2x/2। चीज़ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि शून्य पर 0 हो रहा है, ये लो भाई ये तो 1 हो रहा है और ये भी 1 हो रहा है, इसका मतलब 1/2। अब आंसर मैच करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो मैच हो जाएगा, ठीक है -4 माइनस का 3/16। नेक्स्ट, अब देखो आपको क्या चाहिए, देखो समाकलन कर रहे हो ना, देखो आंसर समाकलन की कई वैल्यू होती हैं, ठीक है कई मान होते हैं, कई आंसर होंगे,
लेकिन आपको आंसर करना है वही, पहले ऑप्शन पे एक तिरछी नजर लगा के फिर क्वेश्चन को, कहीं भी कोई भी समाकलन का कर रहे हो तो आप एक बार ऑप्शन पे नजर जरूर लगाओगे सबसे पहले, तभी आप स्पीड बन पाएगी, नहीं तो कैंसिल करेगा, आपको 1 मिनट खराब हो गया, पता चलेगा ये आंसर नहीं था, ये तरीका नहीं था, तो इससे अच्छा पहले इस पे नजर मारो। साइन कोस में चाहिए, इसको साइन कोस में चेंज कर दो, साइन कोस में आपको चाहिए तो क्या कर दो, आप साइन कोस में चेंज कर दो फटाफट, ये लो साइन कोस में चेंज। अब आपको पता है टी तो इसका मानेंगे, तो इसका मतलब ये तो होना चाहिए नीचे, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आंसर तो या तो ये होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। अब चेक कर लो भाई, या तो ये होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका मतलब कोस का तो माइनस साइन एक्स यही होगा, फिर यही होगा। इस तरीके से आपको देखना है कि नीचे लॉग में क्या आएगा, प्लस वाला आएगा या माइनस वाला, प्लस वाला आएगा माइनस वाला, प्लस वाला पता है आपको ऑप्शन में, माइनस माइनस ये लो, ठीक है, पूरा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब देखो मैंने एक बात की कि जब भी साइन स्क्वायर को स्क्वायर ऐसे आ जाए क्वेश्चन में, तो हम कोस स्क्वायर का भाग देते हैं और सेक स्क्वायर डी एक्स बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं आए तब साइन एक्स कोस एक्स आए तो हम हाफ एंगल में तोड़ते हैं, किस में तोड़ते हैं, हाफ एंगल में तोड़ दो, हाफ एंगल में ये लो आंसर इन दो में से, ठीक है, टेन स्क्वायर अंदर वाला है, लफड़ा इन केवल कोफिशियंट का है, तो ये देखो भाई हाफ एंगल में तोड़ो, तो ऊपर तो आपको बताया हुआ हाफ एंगल में तोड़ते हैं डायरेक्ट, ये कर देना डी एक्स, ठीक है, इसको क्या कर देना 1 प्लस टेन स्क्वायर जो खाली हो उसको ये कर देना, और 1 माइनस कोस एक्स का क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसकी कैलकुलेशन करो, तो देखो कैलकुलेशन करते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है, ये तो ऊपर चला गया, इसको छोड़ो, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 9 प्लस, क्या हो गया 9, इसको तो लेना ही नहीं था, केवल इसको ही लेना था ना, तो ये तो हो गया 9, ये हो गया +10 स्क्वायर एक्स बाई टू। अब 10 एक्स बाई टू को टी मान लो, इसका मतलब 3 का कहीं ना कहीं रोल बनेगा, 3 का रोल बन रहा है, 3 का दोनों में है, ठीक है, 3 का दोनों में है, 10 एक्स बाई टू को मानो टी, तो ये तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 एक्स बाई टू, इसका मतलब 2 dt और बनेगा, मतलब 2 का भी रोल बनेगा और यहाँ से 3 का भी रोल बनेगा, तो ये लो 4 नंबर आपका आंसर, ठीक है। अब देखो इसके आंसर मतलब, एक तो ये तरीके से ही कर सकते हो आप, एक लॉग एक्स को क्या कर सकते हो, टी मान लो, एक्स बराबर ई की पावर टी, डी एक्स बराबर ई की पावर टी डी टी, इसको क्या कर दो, ई की पावर टी साइन टी डी टी, ठीक है, ई की पावर टी आंसर, देखो दोनों में है, दोनों आंसर निकालेंगे मैच करेगा वो देख लेना, लेकिन दोनों अब नहीं निकालेंगे क्योंकि अपने को ये पता चल गया कि साइन ही है, ठीक है, अपन दोनों निकालेंगे लेकिन यहाँ पे शुरुआत में मैच कराएंगे, तो केवल साइन है, तो केवल साइन में तो यही फॉर्मूला होता है, लगाओ दिमाग, केवल साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये फॉर्मूले 2-3 छुटे थे वो देख लेना, फिर आज नहीं लिए रिविजन में, कल ले लेंगे इनको, ठीक है, तो ए एंड बी की वैल्यू तो √2 होगी, आगे बोलो भाई, साइन का साइन रहेगा, बी की वैल्यू टी होगी π/4। अब देखो यहाँ तो एक्स हो जाएगा, यहाँ लॉग हो जाएगा, ये मैच करा दो, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, माइनस का होगा तो फिर ये होगा, क्योंकि फॉर्मूले में ही माइनस आ रहा है, तो ये तो आपका डायरेक्ट ही आंसर हो गया, लेकिन एक आंसर और हो सकता है, वो देखो ई की पावर टी 2t sin t - cos t, ये भी आपका आंसर है, प्लस सी, ये भी आपका आंसर है, हो सकता है, लेकिन इसमें तो बाहर साइन चाहिए, तो बाहर वाले में तो यही लगता है केवल। नेक्स्ट, अब देखो ये इजी है, इसको कोस स्क्वायर में 1 प्लस कोस 2 एक्स क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ही 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, या तो एक्स बाई टू को टी मान लो आप, ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो, तो ये 2 यहाँ ले आओ और dx = 2 dt,
टू से अपॉन टू, ठीक है, एक्स की जगह फिर टू डी टी तो कर दिया डी एक्स की जगह, और एक्स की जगह क्या कर दें टू टी और सेक स्क्वायर टी और सेक टी, और इसको हम करते हैं उस हिसाब से कर लेना। इसी प्रकार ये कटेगा, आपका आंसर आएगा ये, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई ये आएगा आपका ना, इसका आप करोगे एक्स टेन एक्स बाई टू फिर वन बाई टू, और वन बाई टू से तो ये कट जाएगा, ठीक है। आपके पास बच रहा है ये माइनस, क्या बचेगा इसका अवकलन टेन एक्स बाई टू बचेगा, और आगे भी आपको इसका करोगे ना इस दोनों का तो भी ये कटेगा आगे जाके, ये प्लस में रहेगा, तो आपका आंसर ये आएगा। ऐसा दिमाग फास्टली लगाना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या करें, देखो एक तो सेक स्क्वायर तो होता है, किसका होता है अवकलन, तो अपने पास तो सेक ही बचा, फिर भी काम चलाएंगे, चलो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, टेन थीटा को टी मानो, सेक स्क्वायर वाला मामला बन गया अपना, अपना फॉर्मूला बन गया वन प्लस टी स्क्वायर टी बाई टू वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन बाई टू लॉग टी प्लस वन प्लस टी स्क्वायर। अब देखो रखो टेन की जगह टेन एक्स सेक टेन थीटा सेक थीटा वन बाई टू लॉग टेन थीटा प्लस सेक थीटा, जहाँ कहीं भी आंसर है मार दो, इस स्पीड से ही करने हैं अपने को। अब देखो एक इसमें एक कंडीशन और याद रखनी है आपको, या तो फिर ये इसको करो वो साइन में लेके और इसको जो, या फिर क्या करो वन को क्या लिखो साइन स्क्वायर को प्लस को स्क्वायर में लिखो, या फिर देखो इसको ऐसा करो कि इन दोनों का गुणनफल इनके योग के बराबर ही होता है, इन दोनों का गुणनफल इसके योग के बराबर ही होता है, ये पर्टिकुलर ध्यान रख लेना। अब तो आपका आंसर ही हो गया, इसका क्या बन जाएगा टेन एक्स बाई टू, इसका माइनस का कोट एक्स बाई टू, बट्टे में जो टू बाई टू आएगा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो ये लो माइनस वाला। अब देखो ये पीछे वाला, ये देखो हाफ एंगल में टूटेगा, पहले बात तो ये, तो हाफ एंगल वाला आंसर होगा, इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे, e की पावर x ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि tan वाला बनेगा वन प्लस सेक स्क्वायर बनेगा ऊपर जाके, तो वो तो tan में ही बनता है कोट में नहीं बनता, तो आपका ये आंसर इस हिसाब से ही आइडिया लगाना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे आइडिया लगाएं, हाफ एंगल में टूटेगा आपको पता ही है, आपको पता ही है हाफ एंगल में टूटेगा, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कोस स्क्वायर बनता है ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर तो टेन का करता है, तो फिर कोट का नहीं करता, तो ये लो। अब देखो ये आंसर, ये क्वेश्चन तो कर लिया हमने, और आरबीएससी की बुक में ये सेम ऐसा ही है, ठीक है, तो इसका हाफ एंगल हाफ कॉमन ले लो, ये लो हाफ कॉमन लोगे तो ई की पावर एक्स बाई टू प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, टीटा कुछ नहीं मानना है, टी मानोगे यही वापस आएगा, ये लॉग में होना चाहिए भाई, पहली कंडीशन तो ये लॉग में होना चाहिए, तो लॉग में ये है लो दो हटाया फिर माइनस, हाँ चलो ये दोनों है, अब टी मानोगे देखो बाई टू टू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टू वा सा, क्योंकि एक्स बाई टू टी होता है तो वो यहां से मल्टीप्लाई होता है। फिर नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और डायरेक्ट इसी फॉर्म में पूछने के चांस ज्यादा है, सेकंड, ठीक है, आई एल, अच्छा हाँ फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस, ये तो एक्स स्क्वायर बाई टू ही होगा और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखो इसका करना है तो पहले तो ये मैच कराओ, मैच तो कैसे करवाएं, ये तो इतना इजी मैच नहीं हो पाएगा, मैच हो गया ये चीज को ध्यान बाई टू बाहर ले लिया, आंसर इन दोनों में से होगा,
देखो एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक बट्टा दो। अब देखो इसको प्लस वन माइनस वन करेंगे, प्लस वन करते ही ये क्या हो जाएगा, कटके वन हो जाएगा। ठीक है, कटके वन हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं होगी, बट्टे में टू आएगा। वन का क्या होगा, एक्स होगा, फिर समाकलन, इसका मतलब माइनस एक्स बाई टू होगा, तो ये आएगा। लेकिन आगे आगे क्या होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स एक्स होगा, टेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला होगा भाई, ये लो थ्री, इतने में ही किया है। लेकिन इसको थोड़ा जिसके समझ में नहीं आया वो देख लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इजी तो आपको पता ही चल गया कैसे चेक करते हैं, लेकिन विस्तार से देखो भाई इस क्वेश्चन को। एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, क्यों इनवर्स है ना, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इसका अवकलन वन अपॉन मल्टीपल में ये। अब देखो ये प्लस वन माइनस वन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू को बाहर ले लो आप, तो एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये समाकलन रहेगा बाहर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका तो वन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू, ये तो आ जाएगा इसका, प्लस देखो ये माइनस माइनस वन बाई टू, इसका क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इन दोनों को पास में ले गया हो और कॉमन ले लो टेन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, जो भी आंसर है। लेकिन आपको ये ऐसे विस्तार से नहीं करना है, आपको ये खोजबीन करनी है पहले, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो यहाँ प्लस वाला लेना है। तो इसी तरीके से आप आगे देखो, ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने, इसका आंसर देखते हैं डायरेक्ट कैसे होगा। देखो इसको बनाओगे ऐसे, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक बार कट जाएगा, ई की पावर एक्स एक्स प्लस वन, ये लो टीटा, कुछ नहीं मानना है क्योंकि ये तो अवकलन होता है वन अपॉन एक्स। इसका अवकलन क्या होता है, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर ले जाओगे इसका अवकलन माइनस का टू, वन अपॉन एक्स का देखना और फिर चेक करना है इसको। देखो क्वेश्चन है वन, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये चीज है, इसको कैसे इन कैसे करके इसको और इसको मैच हो रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा, तो इसको करा दो फिर पूरा ही, माइनस का फोर एक्स वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये देखो मैच फुल हो गया, इसका मतलब एक्स होना चाहिए, तो ये तो एक्स फोर होना चाहिए छुट्टी। फिर आगे देखो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस वन, ठीक है, तो कराओ मैच, तो वन अपॉन एक्स का तो लॉग बन जाएगा माइनस फोर लॉग, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसका मतलब एक नंबर आंसर आपका आ गया। देखो ये तो बन जाएगा फोर, ये कटेगा लॉग वन अपॉन एक्स का लॉग में बनता है, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में, ये बन ही जाएगा माइनस माइनस, क्या हो जाएगा अंदर प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इम्पोर्टेंट, एक बार पूछा हुआ आरबीएससी की बुक का क्वेश्चन, कैसे करेंगे, जब भी x की पावर n हो तो यहाँ n बनाने की कोशिश करो, ऊपर नीचे n, यहाँ n बनाने की कोशिश करो, कुछ भी कर लो जी, ठीक है। अरे एक बार माइनस भी होता है यहाँ, इसमें तो प्लस दिया हुआ है, हम प्लस का ही करेंगे अभी तो, लेकिन माइनस भी होता है, ये ध्यान रख लेना। तो अब क्या बन गया, ये एक्स की पावर एन को टी मानो, तो मतलब वन अपॉन एन हो गया एक तो, ठीक है, समाकलन डी टी अपॉन टी
और एंड टी प्लस वन। अब देखो वो तरीका बताया मैंने डायरेक्ट ही, क्या करो टी माइनस जीरो कर लो, जीरो रखो, जीरो हो गया, ये नाराज भी हो गया, ये लो। माइनस वन रखो, ये नाराज हो गया, ये लो। माइनस वन रखी यहाँ वैल्यू तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो गया माइनस वन, ये माइनस लगा दिया। ये आपका देखो दोबारा देखो, ए बी में आंशिक भिन्नों में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही करना है। और ये स्टेप भी मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता क्योंकि आप अभी एक दो बार ये देख लो, क्योंकि लॉग टी और टी प्लस वन मैं ये डायरेक्ट ही करता। लेकिन देखो यहाँ जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो प्लस वन वन होता है, ठीक है। लेकिन ये नाराज हो गया तो अपॉन टी। माइनस वन पुट करो, यहाँ देखना है इसको जीरो बना, एक बार इसको जीरो, एक बार इसको जीरो बनाना है, एक बार इसको जीरो, एक बार इसको जीरो, इसको जीरो बनाने की कोशिश करो। आपने कोशिश की, माइनस वन किया, ये नाराज़ हो गया आपसे, वन अपॉन टी प्लस वन। लेकिन यहाँ पे माइनस वन हो गया तो ये माइनस लगा दिया। तो अब टी की वैल्यू क्या रख दो, एक्स की पावर एन लग दो, ठीक है। अब चीज़ ये भी हो सकती है, और माइनस वन अपॉन एन लोग एक्स की पावर एन प्लस वन और एक्स की पावर एन, ये जो भी आंसर है वो मैच करा दो। वन अपॉन एन होना जरूरी है तो ये लो, ऊपर ये आंसर आएगी आपका। इसमें ये भी आंसर हो सकता, कभी कभी माइनस लगा देता है और ये कर देता है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, हमने कर भी लिया ऐसा क्वेश्चन। ई की पावर एक्स प्लस वन है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस, ई की पावर एक्स रूट ई की पावर एक्स प्लस वन, और ये लो ई की पावर एक्स प्लस वन का रूट, ठीक है। इसको अंदर वाले को टी मान लो या टी स्क्वायर मान लो, जो भी मानो देख लेना, टी मानोगे तो ये हो जाएगा टू रूट ई की पावर एक्स प्लस वन। ये कहाँ पे है, ये सभी जगह है, ठीक है। अब देखो इसको माइनस कॉमन लो, नहीं ई की पावर एक्स कॉमन लो, यहाँ ई की पावर एक्स बाई टू आएगा, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, लेकिन ये क्या बन जाएगा पूरा। अब ये तो हो ही गया आपका, अगली स्टेप देखो, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। इस चीज़ को आप टी मान लो, ई की पावर माइनस एक्स बाई टी मान लो, एक बट्टा दो माइनस का, ठीक है, एक बट्टा दो ई की पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स और डी टी, इसकी जगह ये कर दो टू मल्टीप्लाई और माइनस का, तो टू रूट ई की पावर एक्स प्लस वन माइनस का टू, और ये फिर कौन सा बनता है भाई, प्लस है साइन का बनेगा, तो आंसर साइन में लगाओ फिर। लेकिन इसको ऐसे मैंने कैसे, मतलब एक्स बाई टू क्यों लिया है, ये चीज़ देखो कि ऑप्शन से पता, ये ऑप्शन बताएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। ऑप्शन क्या कह रहा है, माइनस ये लो, सभी में ही कह रहा है, इसका मतलब इसका जुगाड़ तो करना पड़ेगा कैसे न कैसे, तो इसका जुगाड़ मैंने किया है बस। तो ऑप्शन बताएगा आपको कि कैसे चलना है, नहीं कि आप खुद ही डिसाइड करोगे, खुद डिसाइड करोगे तो वो आप प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से करना, क्योंकि ये ऑप्शन क्या कह रहा है, कोर्ट में तोड़ो, तो भाई कोर्ट में तोड़ना फिर वन अपॉन कोस, वन माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स करना, फिर कोस को फिर तोड़ना कोस बाई टू, देखो वन बाई कोस एक्स कोस एक्स अपॉन कोस एक्स, इसको आगे एक्स बाई टू हाफ एंगल में तोड़ना है, तो ये तो क्या टूटेगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू टूटेगा, तो रूट टू मैं कर दूँ स्क्वायर हटा दूँ, ये थोड़ा डायरेक्ट किया मैंने। अब टी मानने के लिए साइन है यहाँ, तो अपने को यहाँ नीचे कोस चाहिए, तो ये लो, अब आपका कोस आ गया, ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाला तो मैच हो जाएगा, नीचे चाहिए आपको ये, कोस करोगे माइनस का चिन्ह आएगा, आकलन करोगे तब, इसका मतलब माइनस का चिन्ह ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से आएगा, ठीक है। माइनस किस में होता है, कोस में होता है, साइन में नहीं होता, साइन वाला काट दो, ये लो, कुछ नहीं किया, ऑप्शन से ही ऑप्शन मैच करवाया है बस। केवल इसकी प्रैक्टिस से ही आप टी टा कुछ नहीं माना, टी वाला जमाना गया अभी, आपको तो डायरेक्ट ऑप्शन से सेट करना, ऑप्शन से सब सेट नहीं हो तब आपको टी मानना, और टी मानते हैं लेकिन मन ही मन में मानते हैं कब माइनस होता है कब प्लस होता है, तो आपको वो चीज़ माननी पड़ेगी,
ठीक है, देखो टाइम बचाना ही सबसे बड़ी बात है। अब आपको पता है कि साइन एक्स और कोस एक्स, इसके दो तरीके हैं, या तो सेक एक्स प्लस माइनस कर दो, लेकिन इससे इजी भी है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस वन माइनस वन, इसको करो, ये एक्स आ गया। फिर ये देखो, तो इसको तो एक्स ले आऊं मैं, ठीक है, ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, तो एक्स माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का टेन एक्स। तो देखो सेट हो गया मामला अपना, तो लेकिन इनमें से कोई नहीं भी आंसर हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, ठीक है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट देखो, अब वो सम घात वाली आ गई आपकी, मैंने बताया था सम घात में क्या करना चाहिए अपने, और ये क्वेश्चन भी कर लिया आपने, ये क्वेश्चन कर लिया आपने, आप करना बस एक्स स्क्वायर का डिवाइड करने का, मैंने बता दिया है, ये ऐसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको पास में ले जाओ, विपरीत लिंगी बनाओ, विपरीत साइन बनाओ, ठीक है, प्लस वन। तो अब ये आगे करना, क्योंकि हमने कल कर लिया ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें ए भी पूछा है, ऐसी कंडीशन में देखो वैल्यू जो पूछता है ना ए एंड बी, ठीक है, उसमें थोड़ी सी हम दिमाग लगाएंगे और करेंगे, हो सकता है वो काम बन जाए। काम इसलिए बने, देखो देखो, एक्स स्क्वायर की जगह वन पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की जगह वन पुट करते ही क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर की जगह वन पुट करते ही जीरो हो जाएगा, लेकिन ये भी आपसे नाराज, वन पुट किया ऊपर फाइव नीचे भी फाइव, ठीक है, प्लस एक बार छोड़ो ये प्लस, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस फोर करो, माइनस फोर करोगे ये देखो, माइनस फोर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का फाइव, क्योंकि माइनस का एट हो जाएगा, माइनस प्लस का थ्री, फाइव अपॉन या माइनस फोर करना है, माइनस का फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस का फोर। अब देखो फाइव से तो फाइव गया, ठीक है, अब आपके पास, और ये फाइव से फाइव गया, माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, देखना बस, और सब ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बन गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, ये फॉर्मूला तो टेन वाला ही है। तो देखो भाई ये फॉर्मूला बन गया वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ठीक, और ये वन बाई वन अपॉन ए होता है, ए की वैल्यू टू है यहाँ, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर, और टेन इनवर्स एक्स बाई टू बन गया। अब देखो ये मैच तो हो रहा है अपना, बी की वैल्यू ये है और इसमें मैच कराओ भाई, ये नीचे रह गया, इसका मतलब ये माइनस, आपका माइनस वन बाई टू और वन बाई टू, ये आपका आंसर मैच करना है, करना इसी तरीके से है, ए बी कुछ नहीं निकालना आपको, डायरेक्ट ही इतना ही शॉर्ट में लेके आना है, ठीक है, क्योंकि इतना शॉर्ट में लेके आओगे तभी ये ए मानेंगे और बी मानेंगे, आंसर हर हर वो बाद में मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में मानना पड़ेगा, बाकी कहीं नहीं मानना आपको, ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, बाकी देखना। और अब इसमें नहीं मान सकते हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ सेम होता तो मान लेते, लेकिन यहाँ स्क्वायर सेम नहीं है, ठीक है ना, तब मान नहीं सकते, यहाँ माइनस होता तो भी मान लेते, यहाँ माइनस होता तो भी मैं सेट कर देता, क्योंकि एक बार प्लस बना लेते और एक बार माइनस बना देते। तो ये क्वेश्चन ए एंड बी की निकालना उसी तरीके से, बाकी ए की वैल्यू तो आपकी आ जाएगी, एक यहाँ ये लॉग वाली है ना, वहाँ वन करोगे तो एक तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ऊपर फाइव आएगी, लेकिन फाइव तो सब में दी हुई है, ऊपर फाइव आएगी नीचे टू, फाइव बाई टू, थ्री तो नहीं होगा, ये बात ध्यान, तो करना है इसको। देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन देख लो पहले, तो जिसको लगातार पढ़ रहे हैं उनके तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, लेकिन जो वीडियो स्टार्ट किया है एक दो दिन में उनके प्रॉब्लम ये खड़ी होगी। क्वेश्चन क्या बन रहा है, डी एक्स एक्स ई की पावर माइनस लॉग मोड एक्स प्लस एफ एक्स। देखो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये तो
बन रहा है वन अपॉन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इनवर्स आगे ले जाओ, इसकी इनवर्स हो गई तो ये बन गया प्लस का एफ एक्स। अब जो लगातार पढ़ रहे हैं उनको तो ये पता है कि ये अक्षर है और इसकी वैल्यू माइनस वन और वन है। माइनस वन कब है? जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, पीछे वीडियो देखना जाके। और एक्स कब है? जब जीरो से, वन कब है? जब जीरो से बड़ी है। ये चीजें तो आपको पता है, ये अक्षर है तो ये जीरो होगा भाई, एक तो ये क्या होगा, जीरो। ठीक है, आपको वैल्यू चाहिए एफ एक्स की। अब ऐसी कंडीशन कब होती है भाई, ऐसी कंडीशन कब होती है, सेम ही रहता है ई की पावर एक्स होती है तब। मारो टिक। शुरुआत में मैंने थ्योरी भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी आ गया, लेकिन इन चीज को आप देखना वीडियो अवकलज में और लिमिट में, सांतत्य में तो खूब जगह बताया ये, सांतत्य तो इसी पे डिपेंड है सारी, तो वहाँ देखना। बाकी आपको समझ में आ गया कि ई की पावर एक्स बाकी निकालोगे ना तो डी माइनस वन ग्रेजुएशन के रूप में निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि अक्षर हो रहा है तो ये तो जीरो होगा, इसका टंटा मिट गया अपने। ठीक है, अब दिमाग लगाना है ये और ये इक्वल हो रही है, इसका मतलब कब होती हैं ये इक्वल, ऑप्शन से देख के दिमाग लगाओ आप। जीरो में नहीं होते, जीरो में और वन में लोग ज़्यादा जाएंगे, तुक्का मारने वाले यहीं तक ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, कोई कोई नहीं करेगा, छोड़ेगा देखते ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा वो इस तरीके से करेगा, ये लॉजिक लगता है इसमें। ठीक है, अब ये तो अपने आप कर लेना क्योंकि ये तो इजी है, लॉग एक्स प्लस एक्स, डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलो लॉग एक्स प्लस वन। अब लॉग एक्स का आपको पता है ऐसे ही वन का होता है, तो कर लेना। अब ये ट्रिक भी आपको बताई हुई है मैंने, इसको डायरेक्ट कैसे करें भाई, वन अपॉन रूट वाली ट्रिक बताई हुई है। प्लस वन, अब इस वन को देख ला, इस वन को देखते ही ये दिमाग में आनी चाहिए कि इसका कोस बनना चाहिए ताकि वन प्लस कोस एक्स बन सके या वन माइनस कोस एक्स बन सके, तो वन अपॉन रूट टू डी एक्स। कोस बनाओगे तो यहाँ कोस होना, यहाँ साइन होना चाहिए, यहाँ कोस होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए क्योंकि कोस ए प्लस बी की क्या होती है, कोस ए कोस बी, तो यहाँ तो माइनस कॉमन लो, तो कोस एक्स प्लस पाई बाई फोर की बन चुकी है ये। ठीक है, देखो ऐसे डायरेक्ट ही बनाओ आप, तो डी एक्स वन माइनस कोस एक्स प्लस पाई बाई फोर, ये हाफ एंगल में टूटेगा आपको पता है ये, तो हाफ एंगल में तोड़ो पहले, सभी टूटे हुए हैं इससे। भेर वन माइनस कोस है, यहाँ पे साइन होगा, ऊपर जाएगा कोसेक स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये कोट में होगा। ठीक है भाई, ये कोट, और कोट हमेशा माइनस से ज़्यादा ही प्रेम करता है, तो ये लो आंसर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछने लायक है। डी एक्स एक्स स्क्वायर, देखो ऐसी सिस्टम होना जब भी ये पावर सही नहीं हो, मतलब रूट में हो या तीन बटा चार, पाँच बटा छः, सात बटा आठ, दस बटा ग्यारह, जो कितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो एक ट्रिक देगा उससे अपना आंसर आएगा। आप मान के चलना टी तो इस पोर्शन को मानना है, टी तो इसी पोर्शन को मानना है, लेकिन इसको एडजस्ट करना जरूरी है। टी इसी पोर्शन को मारना है, एडजस्ट करना है, बस एडजस्ट करो। एडजस्ट यही है कि एक्स स्क्वायर तो आपके पास है, एक्स की फोर यहाँ से लो कॉमन, एक्स की क्यूब आएगी तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की फोर थ्री बाई फोर, अब टी मान लेना यहाँ, तो ये क्या बन गई आपकी एक्स की फाइव और वन एक्स की फोर। अब टी मानोगे ना इसको तो ये तो जीरो होगा अवकलन में, और ये क्या होगा, ये क्या होगा माइनस फोर अपॉन एक्स की फाइव, एक्स की फाइव ये हो गई, और माइनस जो फोर होगा ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसमें से आएगा कोई ना कोई, तो वो चेक करना आप आगे। ठीक है, इसी तरीके को इसको करना, इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि मैंने बता दिया ये रूट वाली है ना, वन बाई फोर है पावर टी, तो इसी को मानना है, इसमें ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है अपने को। एक्स कॉमन ले लो तो अपने पास क्या रह गया भाई, एक्स कॉमन ले लिया वन बाई एक्स की फोर, वन बाई एक्स स्क्वायर, देखो कोस बन सकता है, कोस रूट को हटा के बाहर आ सकता है, तो देखो साइन मान लो
या कोस भी मान सकते हो, जो भी है। लास्ट में जाके ये साइन कोस है, जब माइनस प्लस का ये अंतर होता है तो वो कर देगा। तो यहाँ क्या हो गया, अभी ऊपर एक्स तो एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का तो साइन, या तो कोस मान लो या साइन मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब। तो ऊपर भैया एक्स स्क्वायर करो, क्यों, माइनस टू अपॉन एक्स ही क्यूब बनेगा ये। तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस वन बाई टू, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो मैं छेड़ नहीं सकता, एक बार बाद में देखेंगे इसको। कोस थीटा साइन का अवकलन हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा गया। अब एक्स की वैल्यू कोसेक बन जाएगी ये, तो एक्स स्क्वायर इजल टू क्या बन रहा है, कोसेक। और कोसेक का क्या होता भाई, माइनस वन बाई टू। देखो आंसर तो ये मैच हो गया, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी चेक करना है। तो ये क्या बन गई, समाकलन में कोसेक थीटा बन गई। तो माइनस वन बाई टू, कोसेक तो लॉग में ही होता है, कोसेक थीटा माइनस से, तो कोसेक का क्या होता भाई, एक्स स्क्वायर वो माइनस से। तब इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, ये चेक करना, क्योंकि माइनस कोट होता है इसमें, तो वन कोट, वन प्लस कोट का क्या हो जाएगा ये चेक कर लेना। लॉग एक्स ने टी मानो, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो मैंने कह दिया टी किसको मानोगे, इस सिस्टम को मानोगे, क्योंकि इतना कचरा है वो डीएक्स में ही भेजेंगे, डीएक्स के साथ ही इसको दान कर देंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स की क्यूब तो अपनी है, बाकी एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लो, एक्स फोर लोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की फोर। अब इस कचरे को टी मान लो, तो ये ऊपर जाके क्या क्यूब हो जाएगा और ये फाइव हो जाएगा, तो ये इसका टूटेगा तो ये बन जाएगा वन अपॉन एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की फाइव अपॉन रूट टू माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की फोर। अब इसको टी मानो और आगे करना, ठीक है। इसको आसानी से कर सकते हो आगे, साइन कोस में चेंज करिए। ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, पूछेंगे तो हार्ड लेवल में इसी को पूछेंगे, ठीक है। देखो एफ एक्स इजल टू एफ ओ एफ हमने खूब निकाला, इसकी जगह रखो, ये क्या आएगा, वन प्लस टू एक्स की पावर एन वन अपॉन एन, ये एन तक जाएगा तो एक्स प्लस एन एक्स की पावर एन वन अपॉन एन हो जाएगा। फिर इसको टी मानना, काम बन जाएगा आपका, अंदर वाले को वन प्लस एन एक्स की पावर एन को टी मानना। हाँ ऊपर एक्स माइनस वन और मल्टीप्लाई करके करना है। देखो इसको ऊपर वन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स मानो, साइन से साइन कटेगा कोस बचेगा, कोस का सेक स्क्वायर होगा, सेक का टेन 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 माइनस कोट वाला हो जाएगा। एक्स की फोर को मानो टी, वन अपॉन फोर, ठीक है, इसको हटाओ, वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर साइन का तो सभी में ही है, वन अपॉन फोर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये लो एक्स स्क्वायर को, तो एक्स फोर को टी माना है हमने, एक्स फोर को टी माना है, तो ये हो जाएगा। अब देखो कोस इसके मल्टीप्लाई में आएगा, कोट एक्स कोसेक एक्स होगा, ठीक है, कोट एक्स कोसेक एक्स, कोट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है, कोट एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है। तो आंसर आएगा तो ये नहीं, इनमें से कोई नहीं चेक कर लेते हैं, अंदर एक कोट तो कट गया, तो ये सेक एक्स होगा, ठीक है, यही आएगा आंसर, डायरेक्ट करना है दिमाग से। देखो ये फोर सेक स्क्वायर बनेगा, सेक स्क्वायर का फोर टेन एक्स होता है, फोर टेन एक्स, फोर टेन एक्स दो में है, ये देखो टेन एक्स सेक एक्स बन रहा है, तो ये फाइव सेक एक्स, तो ये हो जाएगा, माइनस तो सेक में होता नहीं है। अब देखो रूट एक्स को टेन मानो आप रूट एक्स को टी मानो, वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इजल टू डी टी, तो टू ले गया हो यहाँ, सेक स्क्वायर को वो टेन स्क्वायर को क्या करो, सेक स्क्वायर टी माइनस वन,
ठीक है, ये लो मल्टीप्लाइंग, टू टेन रूट एक्स माइनस का रूट एक्स, जो भी आंसर दिखे मार दो टिक। ये लॉग में पक्का आएगा, ये आपको पता ही है, ये जहां भी है मारो टिक, माइनस वाला है माइनस वाला है। लेकिन इसमें एक चेक करना पड़ेगा, एक्स की पावर ई की पावर एक्स इजल टू टी, मानी ई एक्स की पावर ई माइनस वन और ई की पावर एक्स डी एक्स इजल टू डी टी है, इसको माइनस वन और ई कर दो, ई कॉमन ले लो, वन अपॉन ई बनेगा। ये लो नेक्स्ट, इसी तरीके से करने हैं। देखो जिसके समझ में नहीं आ रहा वो पहले थ्योरी देखना जाके, तभी ये भी। तो थ्योरी देखना, थ्योरी में ये सब कुछ समझाया हुआ है, वहां समझ में आ जाएंगे। देखो आगे, देखो लॉग एक्स ने टी माना, लॉग लॉग एक्स, तो ये कौन सा हो जाएगा, लॉग एक्स को टी मानो वन अपॉन एक्स, तो लॉग टी, अब देखो वन वाला हो गया, टी लॉग टी माइनस टी, वन अपॉन ई और चाहिए, तो टी लॉग टी अपॉन ई, अब देख लो जो भी है लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स अपॉन ई, जहाँ भी आंसर मिल रहा है फर्स्ट नंबर पे, तो ऐसे इसको करना है। देखो इसको डिवाइड करो अलग अलग, ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर को क्या करोगे सेक स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, सेक स्क्वायर का क्या बनेगा टेन एक्स माइनस एक्स, तो ये बनेगा टेन एक्स माइनस एक्स। इसका क्या करोगे, कोसेक का दो तो कट जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स बनेगा, कोसेक स्क्वायर माइनस वन, कोसेक स्क्वायर का माइनस का कोट एक्स और माइनस वन का माइनस एक्स, तो टेन एक्स माइनस का कोट एक्स माइनस का टू एक्स, ये लो ये लो। ठीक है, इसी स्पीड से चलेंगे। अब देखो ऑप्शन में देखते हैं इसमें क्या चाहिए आपको, तो ये तो टेन एक्स डायरेक्ट ही बन रहा है, यही चाहिए आपको, ये लो कोस टू एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और टू साइन स्क्वायर एक्स आपके पास पहले से ही है, कोस स्क्वायर यहां रख दो, ये कट गए, ये सेक स्क्वायर बन गया, सेक स्क्वायर का टेन एक्स प्लस सी है, यहां वन बाई टू और वन बाई टू करना। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर को टी मानना, टू एक्स डी एक्स इजल टू डी टी, टू बाहर आ जाएगा, वन बाई टू जरूर होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, डी टी टी स्क्वायर माइनस वन, तो वन बाई फोर लॉग टी माइनस वन टी प्लस वन, टी को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन बाई फोर ये आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, देखना ध्यान से, ये मेरा बताया वो भी है कि आप किसको मानो, लॉग एक्स को टी मान लो आप, ठीक है, तो वन बाई एक्स तो ये बन जाएगा, लेकिन इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ई ए अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, लॉग ई ए लॉग लॉग एक्स, ये लो, ठीक है, क्योंकि ये तरीका तो मैंने कैलकुलेशन तो मैंने पहले बता चुकी है, अवकलन में खूब किए हमने, तो ये देखो भाई क्या बन रहा है, ई की पावर कोसेक एक्स, ई की पावर एक्स कोसेक एक्स, ई की पावर एक्स कोसेक एक्स कोट एक्स, तो ई की पावर एक्स कोसेक एक्स बन ही गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखना सेक एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस सेक एक्स, अब देखो इसका अवकलन ये होता है, करके देखना लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्योंकि करोगे ना तो क्या होगा वन अपॉन, ये तो लॉग में होता है ना, वो क्या होगा वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स आएगा, इसका सेक स्क्वायर सेक एक्स टेन एक्स होगा और इसका सेक स्क्वायर होगा, सेक कॉमन लोगे जो ऊपर सेक एक्स प्लस टेन नीचे भी सेक एक्स प्लस टेन कटेगा सेक एक्स आएगा, तो ये इसका अवकलन हो गया, ठीक है, इतना फास्ट चलना है। ये देखो इसका थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो वन बाई एक्स और लॉग एक्स, अब बताओ वन अपॉन एक्स का क्या होता है, नहीं लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स होता है, तो लॉग एक्स का ई की पावर एक्स लॉग एक्स आपका आंसर, ठीक है, ये हाइपरबोले में है करना,
ये भी हाइपरबोल लेगा, बाकी ये तो कोसेक का बन जाएगा। और आगे भी देखना, कोसेक सेक स्क्वायर, ये तो टेन का ही बन गया, टेन 1/4। ये लो देखो, हाइपरबोले अपनी है नहीं, लेकिन थोड़ा बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ऊपर भी फोर और नीचे, यहाँ भी फोर, यहाँ वाले को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, देखना। ये लो, तो ये तो कोस का बनता है, ये किसका बनता है? प्लस वाला, इसमें प्लस वाला कोस। माखलन में जाओगे तो माइनस वाला कोस, हाइपरबोले। तो कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का टेन बन जाएगा। यदि पूछ ही लें तो अब ई की पावर एक्स का ये ऐसे करना है, आपको छोड़ के नहीं आना है, अच्छी तरीके से करना है। बाकी ये चीज़ें याद रखो भी थोड़ी, यदि आप हाइपरबोले लेना चाह रहे हो तो कई फॉर्मूले बता देता हूँ मैं। कोस हाइपरबोले ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, ये फॉर्मूला है और यही आपका मैच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, आगे पीछे इसका अवकलन तो यही होगा क्योंकि वन का तो जीरो हो जाएगा, तो आपका ये लो डायरेक्ट। बाकी बुकों में क्या किया कि वन का फिर अलग बताया हुआ है, तो वैसे नहीं करना आपने। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक ठाक भी है, इंपॉर्टेंट भी है, दोनों ही है। ये दिया हुआ है आपके पास, दे दिया एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या रख दूं, इसका अवकलन करो। अवकलन करोगे तो एफ एक्स इजल टू जी डैश एक्स, ठीक है। जी डैश, अब देखो जी एक्स और जी एक्स तो 1/2, इसको टी मानो, तो जी टी मानोगे तो अवकलन क्या हो जाएगा, 1/2 वो हो ही जाएगा, तो जी एक्स का स्क्वायर बल सी। ये लो, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, कहाँ पे, ये लो आंसर। ये करना, एक्स स्क्वायर को टी मानना और इसको एक्स स्क्वायर एक्स कोस एक्स स्क्वायर मानना, तो ये तो टी के अंदर ही चला जाएगा, वहाँ टी बन जाएगा ये तो, और ये कोस टी बन, देखो 1/2 टी कोस टी बन जाएगा, 1/2 टी कोस टी, तो इसका डायरेक्ट करना आपको। रूट एक्स को टी मानो, नहीं ई की पावर एक्स को टी मानो, काम बन गया पूरा ही। और साइन साइन ई की पावर रूट एक्स आपका आंसर है, लेकिन एक टू की और प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लो, ठीक है, इसको भी चेक करो भी। एक्स स्क्वायर ये तो कर ही लेना, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का ही तो करना है पहले बात, तो इसको तो क्या मानोगे फर्स्ट, इसका समाकलन करोगे, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, तो एक्स की क्यूब बट्टा लॉग एक्स माइनस एक्स की क्यूब बट्टा तीन 1/x, एक बार काटेगा। अब देखो क्या बन गया, एक्स की क्यूब बट्टा तीन लॉग एक्स माइनस, ये क्या हो गया, एक्स की क्यूब अपॉन 9। अब 9 इसने कॉमन ले लिया, एक्स की क्यूब भी इसने कॉमन ले लिया, तो आंसर ये आ जाएगा। अब देखो भाई, ये बन रहा है आपका कोस टू एक्स का फॉर्मूला लगाना है, नीचे कोस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे वन चाहिए आपको, तो यहाँ साइन स्क्वायर, चलो 2 cos² x माइनस 1/cos² x, 2x माइनस 10x प्लस सी, ये लो, ठीक है। ई की पावर एक्स को टी मानो, प्लस में कौन होता है, साइन वाला होता है, ये लो। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ए प्लस एक्स बच जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला जान पहचान का है, किसका, साइन इनवर्स का, तो ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये तो हो गया एक, प्लस इसको टी मानो भाई, तो माइनस 2 से 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चेक करना, पहला ही आ रहा है, नहीं थर्ड आ रहा है, थर्ड 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 नंबर आपका आंसर आ गया, क्योंकि ये है ना मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट देखो,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो पहले तो इजी, तो ये उसी तरीके से है कि 1 माइनस साइन एक्स नीचे कोस स्क्वायर एक्स, कोस का तो टेन एक्स बन जाएगा और ये टेन एक्स सेक एक्स बन गया, तो सेक एक्स प्लस सी, ये आंसर कहाँ है, टेन एक्स माइनस सेक, ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से ये करोगे, इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका आंसर डायरेक्ट, ये आ जाएगा। देखो इसको आपको ऑप्शन से देखो क्या मिलना चाहिए, साइन कोस, इसको साइन कोस में चेंज करो, साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, कोस इससे कट दिया और इसका काट दिए, भेज दिया आगे, ये कोस टू एक्स का फॉर्मूला बन चुका है। ऊपर तो अपने पास साइन एक्स है, कैसे जैसे करके इसको वन माइनस, इसको इसको करो कोस में चेंज, क्योंकि कोस को मानेंगे टी, टी मानेंगे तब साइन आएगा ये, तो टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, अब टी मान लेना कोस को, साइन बन जाएगा आपका। इसी तरीके से ये, और देखो ये नेक्स्ट आरबीसी की बुक का क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। तो जब देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दे दिया, तो हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर को भाग देते हैं, कोस स्क्वायर का भाग दोगे तो डायरेक्ट ही लिख रहा हूं मैं सेक स्क्वायर डी एक्स, और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर का भाग दिया, यहां क्या हो गया वन, और यहां बी स्क्वायर टेन एक्स, अब बी टेन एक्स को आप टी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन बी डी टी बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये टेन का बन गया, टेन का क्या होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो वन अपॉन ए बी टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स बाई ए, बी टेन एक्स बाई ए, तो ये तो नहीं होगा और ये नहीं होगा, अब इन दोनों में मैच करो, ये हो जाएगा, ए बी आ गया ना। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो, इसको ऊपर कोस है तो नीचे सभी साइन कर दो, साइन को टी मान लो, टी मान दे आपका आंसर हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स, यहां पे क्या कर दो आपको, वन सिक्सटीन माइनस नाइन साइन स्क्वायर एक्स, अब साइन को टी मान लेना, ये देखो भाई ये करना, क्योंकि ये मानना ही है डायरेक्ट ही, टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर को क्या मानोगे टी, टेन स्क्वायर का सेक स्क्वायर, टेन का टी सेक स्क्वायर, टी टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, हाँ टी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इजी। देखो लॉग टेन एक्स, अब लॉग टेन एक्स को टी मान लो ना, अपने लॉग टेन एक्स को टी मानोगे तो वन अपॉन टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, तो ये कोसेक एक्स सेक एक्स बन जाएगा आपका, तो लॉग लॉग टेन एक्स ये लो, ठीक है। अब ये देखो भाई, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और ये नीचे कोस एक्स एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे, इसको क्या करोगे तो ऊपर क्या बजाएगा, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, अब देखो या तो ये को टी मान लो, तो आपको आंसर ये प्लस वाला चाहिए, तो प्लस वाला तो एक में ही है, ये तो हो गया, इसमें इसको टी मान लो तो आपका क्यूब वाला बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये ई की पावर एक्स के हमने खूब किए। हमने खूब किए हैं और ये कोट का बन गया भाई, क्योंकि टेन का तो ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है, ये कोट स्क्वायर का बन रहा है, और कोट का कोसेक हाइपरबोले स्क्वायर माइनस वन, कोसेक का कोट एक्स माइनस वन माइनस नहीं माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना, ये देखो ये हमने कर लिया है, वैसे तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ई की पावर एक्स माइनस वन रूट ई की पावर एक्स माइनस वन, तोड़ो ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन रूट ई की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है। ई की पावर एक्स बाई क्या चाहिए आपको, वो माइनस वाला ही फिर आ गया ना,
तो आपको ये तो बन गया डायरेक्ट, इसको टी मानोगे तो टू रूट ई की पावर एक्स माइनस वन बन गया। इसमें देखो भाई क्या करें, इसमें आपको आंसर चाहिए टेन में, आंसर चाहिए आपको टेन में, मतलब रूट हटना चाहिए, रूट नहीं हटेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ई की पावर एक्स को टी मानना, हाँ हो जाएगा, इसको टी मानना, वन प्लस देखो ई की पावर एक्स माइनस वन को टी मानना, तो ये क्या ई की पावर एक्स डी एक्स इजल टू डी टी, इसको टी स्क्वायर मानना इसको, तो इसको इधर लाओगे वन प्लस टी क्या होता है टेन का बन जाएगा आगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ई की पावर एक्स है ना, यहाँ वन प्लस टी स्क्वायर ऊपर ये कट जाएगा, ऊपर जाएगी, ये करना ऐसे ही, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये तो इजी है सभी, ई की पावर एक्स रूट टू ई की पावर एक्स माइनस वन, इसको टी मान लेना, बात खत्म हो जाएगी आगे, या फिर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करो आप, और रूट टू से और कर दो साथ में, तो ये आपका सेग में बन जाएगा, ठीक है, ये आपका सेग में बन जाएगा टू के मल्टीप्लाई होगी, देखना इसी स्पीड से करने है, ये ध्यान रखना बस, इसको देखो टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स सेक एक्स, इसका मतलब ये तो सेक एक्स का है, तो इसको सेक एक्स में चेंज करो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन टेन एक्स सेक एक्स, तो ये तो बन जाएगा आपका सेक क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस सेक एक्स प्लस सी, तो सी नंबर आ गया आंसर, ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों करने हैं, क्योंकि इनवर्स के हम कर चुके हैं, और इसको क्या करना है टेन स्क्वायर को, ये इसको ऐसे करना है सेक स्क्वायर माइनस वन वन, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों काट दो, एक नंबर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई इसको कैसे करेंगे, ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट देखते हैं तो दो फॉर्मूले एक साथ लग रहे हैं, लेकिन ए ई की पावर एक्स कर दो, अब इसका अवकलन करोगे तो ए ई की पावर एक्स अपॉन लॉग ए ई, या तो आंसर ये होगा या फिर ए ई की पावर एक्स वन प्लस लॉग ए, कई मान हो सकते हैं कई, तो आपकी इसकी कोई दिक्कत है नहीं, देखो ये क्या हो जाएगा एक्स माइन, नीचे साइन हो रहा है ना, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, साइन कोसेक बन जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, अब देखो फर्स्ट सेकंड मान के करना, एक्स माइनस कोट एक्स बाई टू और फिर टू एक और ये मल्टीप्लाई लो, क्योंकि इसका समाकलन किया, फिर ये नीचे आएगा टू माइनस का, देखना भाई, हाँ वो टू से टू और कट जाएगा, क्यों साइन टू साइन स्क्वायर होगा ना, टू से टू वहां कट जाएगा, ये वैल्यू कहां पे आ रही है, तीन नंबर पे आ रही है, मार दो टिक, ठीक है, ये तो इजी है, कर लोगे ये इजी है, ये फिर भी ई की पावर एक्स वाला ही आ गया, इसमें ये हमने कर लिया है कल, रूट एक्स कॉमन लिया था आंशिक भिन्नों वाला, लेकिन आंशिक भिन्नों से हमने नहीं किया, तो हमने किया तो उसका आंसर क्या आया था, या ये आया था शायद, चेक करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ई की पावर एक्स वन प्लस ई की पावर एक्स वन प्लस ई की पावर, गलत 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 किया, देखो क्या गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, अब इसको टी मानो, तो ऊपर डी टी बाई टी प्लस वन और टी माइनस वन, इसकी ट्रिक मैं बता देता हूं फिर से, इसको जीरो बनाओ टी वन रखो, तो या इसको प्लस करो, माइनस वन रखो, माइनस वन रखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का टू, ठीक है, और टी प्लस वन, वन रखो, ये लो भाई आंशिक उनसिक में टूट गया आपका,
ये ऊपर जा रहा है, ये देखो माइनस का है तो नीचे आएगा लॉग में, वन बाई टू कॉमन ले लो, टी प्लस वन टी माइनस वन, क्या माना ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ये लो। अब ये तो कर लेना, नहीं ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है ये देखना क्वेश्चन को कि कोस एक्स प्लस का साइन एक्स है रूट, ये भी क्या हो रहा है टू साइन एक्स कोस एक्स। अब यदि नीचे कोस एक्स साइन कोस एक्स माइनस साइन एक्स या फिर साइन एक्स माइनस कोस एक्स बना ले और उसको टी मान ले तो ऊपर वाला सिस्टम सेट बैठ सकता है अपने को, तो बनाने की कोशिश करो। वन माइनस वन माइनस वन, ठीक है चेक करना भाई, ठीक है कोस एक्स प्लस का साइन एक्स वन माइनस, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो क्या बनाएं साइन एक्स माइनस कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाए साइन माइनस का कोस एक्स, यहाँ पे भी चाहिए कि साइन माइनस का कोस एक्स, ठीक है। अब ये देखो वन और ये एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स में बन रहा है, ओनली साइन इनवर्स में बन रहा है, ओनली साइन इनवर्स में, तो मारो टिक, ई की पावर एक्स ने टी मानो, तो टी मानोगे तो ऊपर तो डी टी, टी स्क्वायर फाइव प्लस सिक्स, फाइव टी प्लस सिक्स, तो डी टी टी प्लस टू। अब रखो माइनस थ्री रखो, माइनस थ्री रखोगे माइनस का वन प्लस का टी प्लस टू लॉग ई की पावर एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस थ्री प्लस सी, जहाँ आंसर है मारो, ठीक है एक्स स्क्वायर को टी मानो इसमें तो टू एक्स टी एक्स हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, देखो कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, एक्स एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो ये कटना सी है, इसका मतलब प्लस कोस एक्स और एक्स जोड़ा एक्स घटाया, सीधा सी बात ये कि एक्स को जोड़ा है मैंने और एक्स को घटाया है, ठीक है। तो ये कटेगा तो ये आएगा वन अपॉन एक्स, माइनस माइनस कॉमन लेना है क्योंकि फिर ये माइनस होएगा आगे जाके, एक्स प्लस का कोस एक्स ये आपका जाएगा, तो लॉग एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स, तो एक्स अपॉन कोस एक्स आपका आंसर हो जाए। साइन एक्स को टी मानो तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर फोर टी प्लस का फाइव, तो डी टी इजल टू टी प्लस का फाइव। देखो भाई इसको 4t है प्लस का 5 है, इसको चेक करना पड़ेगा सही, साइन इनवर्स को तो t मानना है कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स को तो t मानना है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन दोबारा देखो इंपॉर्टेंट भी है और फंस सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस फाइव, ठीक है साइन एक्स को टी मानोगे तो ये ठीक है, ऊपर तो क्या हो गया डी टी टी स्क्वायर फोर टी प्लस फाइव, इसके टुकड़े क्या होंगे भाई, यदि इसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो एक काम करो इसको करो टी प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस वन, अब तोड़ोगे इक्वल आ जाएगा क्योंकि यहां से देखो तो ये गया इन दोनों का आंसर आएगा टेन में आएगा आंसर, लो इस तरीके से करना है, करना पूरा भाई ये फोर किया मैंने, फोर प्लस वन किया फिर टी प्लस टू का होल स्क्वायर कर दिया, लेकिन आपको करना किस तरीके से, टी प्लस टू चाहिए इसका मतलब यहां तो आप साइन रखोगे कभी जाके तो साइन प्लस टू होना चाहिए, माइनस वाला काट दिया, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन का बन गया। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
देखो ट्रिक सिर्फ तो यही है, ठीक है, ट्रिक का मतलब यही है कि कैलकुलेशन कम कर दो, डी एक्स इजल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो भाई, रूट वन माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स इजल टू वन बाई फोर ही कर लो, क्योंकि अपने को ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, तो फोर ही कर लेते हैं, रूट में है तो ये लो रूट में। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बना है, साइन इनवर्स का बन चुका है, साइन इनवर्स टू एक्स माइनस वन, ये फॉर्मूला साइन इनवर्स का बन चुका है और आपका कट चुका है टू एक्स माइनस वन, ठीक है। ये हो गया, ये हो ही गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर लेना, यही बन जाएगा लगभग एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स। अब इसका करना है तो इसका देखो आधी पावर है 2/3, एक्स प्लस वन की बाई 2/3 प्लस 2/3 एक्स की पावर 3/2, ठीक है, ये आंसर कर देना आप। ये देखो इसको वैसे स्क्वायर में बनाना और करना, देखो हाफ एंगल में है तो हाफ एंगल में आपको तोड़ना है, ये क्वेश्चन हाफ एंगल वाला बता दूं मैं, कोस का क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसको तो हटा दो, से एक्स स्क्वायर करते हैं डी एक्स, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा, वन प्लस नाइन टेन एक्स बाई टू, टेन तो अब थ्री टेन एक्स बाई टू को तो टी मान लो, 3/2 से एक्स स्क्वायर, तो 2/3 कहाँ पे आ रहा है, ये लो कोस स्क्वायर का भाग दो, ऐसे क्वेश्चन खूब कर लिए हमने, इसमें भी कोस स्क्वायर का भाग दो, चलो ये कर लेते हैं, एक कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो ये तो सेक स्क्वायर बनेगा, ये क्या हो जाएगा, 3+3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये लो भाई डी टी अपॉन 3+t² 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये टेन का बन गया 1/2√3 टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टू टेन एक्स बट्टा √3, ये आंसर होगा। अब इसको कर लेना, इसको साइन टू एक्स बनाओगे और ये टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा, हाइपरबोले अपने है नहीं, फिर भी ये कोस में बन जाएगा आपका, कोस स्क्वायर का बन जाएगा, कोस का सेक्स स्क्वायर टेन में आ जाएगा 1/2, 3 नंबर आंसर, ये तो तीनों ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, टेन को एक ऊपर ले जाओ, कोट बना दो, क्योंकि अपने जिस तरीके से आंसर चाहिए ना उस तरीके से कोट थीटा बना दो और कोसेक थीटा बना दो, ये तो बन ही गया माइनस का कोसेक थीटा डी थीटा, ये देखो भाई कौन सा आंसर है, कोसेक, कोसेक है ही नहीं, कोसेक है ही नहीं तो वन अपॉन साइन हो गया, एक ही बात है वो तो, ठीक है ये आंसर। अब ये तो इजी है लेकिन करूँगा ये, इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, देखो ऊपर वाले एक्स की क्यूब माइनस वन का फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, फॉर्मूले कहीं मत छोड़ना मैथ में, कहीं भी लिखे हो, ठीक है। तो अब देखो मैं लिख रहा हूँ 3x² + x² + x + 1 अपॉन एक्स माइनस वन, देखो इसको तो तोड़ दो यहाँ, इतना ही रख लो, और यहाँ एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दो, ये काट दो। अब ये तो टी बन गया लॉग, ठीक है, और ये क्या बन गया, लॉग एक्स माइनस वन, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये लो मल्टीप्लाई वाला,
ठीक है, इसको अपने करना नहीं है। नेक्स्ट ये देखो भाई, ऑप्शन को देखते क्या करते हैं, माइनस का टू यहाँ पे क्या, और मैं थोड़ा सोल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट ही, चलो पूरा करेंगे अभी तो। ए एक्स बी एक्स, अब देखो भाग दो ए बाई बी की पावर एक्स, बी बाई ए की पावर एक्स माइनस का टू। अब इसका कहीं दिख रहा है टू एक्स, माइनस का टू एक्स, कट कट, ये केवल ए बाई बी एक्स है, ये भी कट, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। दो होने चाहिए थे भाई, और भाग में वो होना चाहिए था लॉग में। एक्स स्क्वायर को टी मानो, देखो इसको ऐसे करना पड़ेगा, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट, क्वेश्चन देखते ही आपके आंसर आना चाहिए। एक्स स्क्वायर को टी मानो, वन बाई टू डी टी अपॉन टी रूट टी स्क्वायर माइनस वन, वन बाई टू सेक इनवर्स टी, सेक इनवर्स टी का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो वन बाई टू एक्स स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन अपने आते हैं, मेरे वीडियो से इतना फ़ायदा होगा कि आपको कितनी स्टेप छोड़नी है, कितना माइंड लगाना है, ठीक है। समाकलन के कितने मान होते हैं, अनंत मान होते हैं, मैं तभी तो कह रहा हूँ आप मान निकालना, पूरी वैल्यू देखना, अनंत मान है इसके, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने रियल नंबर की बात की है, काल्पनिक में आ गया। देखना भाई एक चीज को ध्यान से देखना, लॉग माइनस वन इजल टू पाई आयोटा होता है, ठीक है, लॉग माइनस वन इजल टू पाई आयोटा होता है। तो देखो इसको, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा आपका भाई, इसका देखो फटाफट, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस, ये तो फॉर्मूला ही होता है इसका, लेकिन इसमें से घटाना क्या है, इसका उल्टा घटाना है, इसमें से घटाना क्या है, टू लॉग माइनस एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो वन बाई टू ए लॉग माइनस वन प्लस वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए, इसका वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पाई अपॉन टू ए आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। देखना आगे ये क्वेश्चन करना अपने आप, इसमें लॉग एक्स को टी मानना है पूरे को, लॉग लॉग एक्स आ जाएगा थर्ड नंबर, ये तो पूरा ही एक्स बन रहा है क्या, ये लो इसको टी मान के करना, ये भी लॉग लॉग एक्स मानना, फिर नहीं ये बनेगा ये भाई, और ये बन जाएगा, इसका यू एंड वी मान के करना, आपने काम का भी नहीं है, इसको प्लस वन माइनस वन करना है, फिर बन जाएगा आपका, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, रूट एक्स को टी मान के आप इसको आराम से कर सकते हो, रूट एक्स को टी मानना,